लेखा शास्त्र कक्षा 12 अध्याय 6.4 लाभ हानि विवरण तैयार करने के सामान्य निर्देश। नमस्कार मित्रों, मैं रामावतार बटुक आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक स्वयं पाठी विद्यार्थी हूँ। मैं इस प्रकार पढ़ता हूँ जिससे मुझे 70% से अधिक याद हो जाता है। धन्यवाद। प्रश्न 1, वित्तीय विवरण क्या है? उत्तर, कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं कार्य निष्पादन के परिणाम प्रदर्शित करने वाले विवरण पत्र ही वित्तीय विवरण होते हैं। प्रश्न 2, वित्तीय वर्ष क्या है? उत्तर, सामान्यतः प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि को वित्तीय वर्ष कहते हैं। प्रश्न 3, चालू संपत्ति क्या है? उत्तर, वे संपत्तियां जो व्यवसाय की सामान्य दशा में सामान्य संचालन चक्र की अवधि में या चिट्ठे की तिथि से 12 माह में नगद में परिवर्तित हो जाती है। प्रश्न 4, गैर चालू संपत्तियां क्या है? उत्तर, चालू संपत्तियों के अतिरिक्त शेष सभी संपत्तियां गैर चालू संपत्तियां कहलाती है। प्रश्न 5, संचालन चक्र क्या होता है? उत्तर, संचालन चक्र वह समय अवधि है जो किसी संपत्ति को क्रय करने और उसके नगद अथवा नगद तुल्य में परिवर्तन होने के बीच लगती है। प्रश्न 6, चालू दायित्व क्या है? उत्तर, वे दायित्व जिनका भुगतान सामान्य संचालन चक्र की अवधि में या चिट्ठे की तिथि से 12 माह में करना है। प्रश्न 7, गैर चालू दायित्व क्या है? उत्तर, वे दायित्व हैं जिनका भुगतान चिट्ठे की तिथि से 12 माह के पश्चात करना है। प्रश्न 8, स्थगित कर दायित्व क्या है? उत्तर, स्थगित कर दायित्व उस समय उत्पन्न होता है जब लेखांकन आय करयोग्य आय से अधिक होती है। प्रश्न 9, दीर्घकालीन आयोजन क्या है? उत्तर, वे सभी आयोजन जिनके विरुद्ध दावे स्थिति विवरण की तिथि से 12 माह पश्चात चुकाए जाने की संभावना है। प्रश्न 10, अल्पकालीन ऋण क्या है? उत्तर, ऐसे ऋण जो ऋण लेने की तिथि से 12 माह के अंदर चुकाए जाते हैं अल्पकालीन ऋण कहलाते हैं। प्रश्न 11, व्यापारिक देयताएं क्या है? उत्तर, माल के क्रय अथवा सेवाएं प्राप्त करने के संबंध में देय राशियां, इनमें लेनदार एवं देय विपत्रों को शामिल किया जाता है। प्रश्न 12, दायित्व क्या है? उत्तर, भविष्य में चुकाई जाने वाली वह राशि जो निश्चित हो दायित्व कहलाती है। प्रश्न 13, आयोजन क्या है? उत्तर, ऐसे ज्ञात दायित्व जिनकी राशि का अनुमान सही तरीके से न लगाया जा सके उनकी पूर्ति के लिए रखा जाता है। प्रश्न 14, संचय क्या है? उत्तर, संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने तथा अज्ञात हानियों की पूर्ति हेतु संचय का निर्माण किया जाता है। प्रश्न 15, स्थायी संपत्ति क्या है? उत्तर, वे संपत्तियां जिन्हें व्यवसाय में निरंतर उपयोग के लिए रखा जाता है न कि विक्रय के लिए। प्रश्न 16, मूर्त संपत्तियां क्या है? उत्तर, वे संपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व होता है तथा जिन्हें देखा व छुआ जा सकता है। प्रश्न 17, अमूर्त संपत्तियां क्या है? उत्तर, वे संपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है तथा जिन्हें देखा व छुआ नहीं जा सकता है। प्रश्न 18, पूंजीगत कार्य जो प्रगति पर है क्या कहलाते हैं? उत्तर, पूंजीगत कार्य जो प्रगति पर है से आशय ऐसी स्थायी मूर्त संपत्तियों से है जो स्वयं निर्मित एवं निर्माणाधीन हो। प्रश्न 19, व्यापारिक विनियोग क्या है? उत्तर, किसी भी संस्था द्वारा अपने व्यापार एवं व्यवसाय में वृद्धि के उद्देश्य अन्य कंपनी के अंशों, ऋण पत्रों आदि में किया गया विनियोग व्यापारिक विनियोग कहलाता है। प्रश्न 20, अन्य विनियोग क्या है? उत्तर, व्यापारिक विनियोग के अलावा शेष सभी विनियोग अन्य विनियोग कहलाते हैं। प्रश्न 21, संपत्ति में विनियोग क्या है? उत्तर, जब किसी भूमि अथवा भवन में विनियोग मूल्य वृद्धि अथवा किराया अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है न कि व्यवसाय में निरंतर उपयोग के लिए उस संपत्ति को रखा जाता है तो यह संपत्ति में विनियोग कहलाता है। प्रश्न 22, स्थगित कर संपत्तियां क्या हैं? उत्तर, स्थगित कर संपत्तियां उस समय उत्पन्न होती है जब लेखांकन आय करयोग्य आय से कम होती है। प्रश्न 23,
स्टॉक किसे कहते हैं? उत्तर, स्टॉक से आशय उन सभी वस्तुओं माल से हैं जिन्हें व्यापार के सामान्य संचालन में व्यापारिक उद्देश्यों से रखा जाता है। प्रश्न 24, व्यापारिक प्राप्यताएं क्या हैं? उत्तर, व्यापार के सामान्य संचालन में माल का विक्रय करने अथवा सेवाएं प्रदान करने से प्राप्य राशियां व्यापारिक प्राप्य कहलाते हैं। इनमें देनदार तथा प्राप्य बिल शामिल होते हैं। प्रश्न 25, रोकड़ तुल्य क्या हैं? उत्तर, ऐसे अल्पकालीन विनियोग जो अत्यधिक तरल हैं, अर्थात जिन्हें तुरंत रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है और इनके तुल्य में परिवर्तन का जोखिम नहीं के बराबर होता है। प्रश्न 26, आकस्मिक दायित्व क्या है? उत्तर, वे दायित्व जो वर्तमान में दायित्व नहीं है परंतु जिनका होना या न होना भविष्य की किसी घटना पर आधारित होता है। प्रश्न 27, वचनबद्धताएँ क्या हैं? उत्तर, भविष्य में किन्हीं निश्चित दशाओं में किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित कार्य को करने का अनुबंध वचनबद्धताएँ कहलाता है। प्रश्न 28, संचालन क्रियाओं से आगम क्या है? उत्तर, एक कंपनी द्वारा कंपनी की व्यावसायिक क्रियाओं यथा माल के विक्रय एवं सेवा प्रदान करने से अर्जित आगम संचालन क्रियाओं से आगम कहलाता है। प्रश्न 29, अन्य आय क्या है? उत्तर, संस्था को व्यावसायिक क्रियाओं के अलावा अन्य साधनों में अर्जित आय अन्य आय कहलाती है। प्रश्न 30, रहतीय में परिवर्तन क्या है? उत्तर, रहतीय में परिवर्तन से आशय संस्था के पास उपलब्ध स्टॉक, अर्धनिर्मित माल एवं निर्मित माल के प्रारंभिक रहतीय व अंतिम रहतीय के शुद्ध अंतर से है। प्रश्न 31, कर्मचारी हित व्यय क्या है? उत्तर, वे व्यय जो कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी तथा सुविधाओं से संबंधित है। प्रश्न 32, ह्रास क्या है? उत्तर, मूर्त स्थायी संपत्तियों को अपलिखित करने की लागत ह्रास कहलाती है। प्रश्न 33, प्रत्युत्सर्जन अपलेखन क्या है? उत्तर, दीर्घकालीन अमूर्त संपत्तियों के अपलेखन की लागत को प्रत्युत्सर्जन कहा जाता है। धन्यवाद।